उनके स्थान पर हमने अनुरोध किया अशोक धवले जी से। आप महाराष्ट्र से हैं और अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अशोक धवले जी। उनके साथ बैठे हैं शिव कुमार कक्का जी की जगह पे। शिव कुमार कक्का जी सात सदस्यीय समिति के सदस्य हैं। शिव कुमार कक्का जी मध्य प्रदेश से हैं और राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के अध्यक्ष हैं। उन्हें किसी व्यक्तिगत काम से भोपाल जाना पड़ा तो उनकी जगह पे अखिल भारतीय किसान महासंघ किसान मजदूर महासंघ के यूथ विंग के अध्यक्ष भाई अभिमन्यु कोहाट उनके साथ हैं। हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं कीर्ति किसान यूनियन के राजेंद्र सिंह जी और मैं योगेंद्र यादव यहाँ जय किसान आंदोलन के प्रतिनिधि के रूप में पिछले 2015 से जय किसान आंदोलन देश में काम कर रहा है। और चूंकि बीजेपी की आईटी सेल को बहुत दिलचस्पी रहती है मैं बता दूं कि हरियाणा के रेवाड़ी जिले के सारनवास गांव में 4 एकड़ का किसान है। तो वार्ता को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बलबीर सिंह राजेवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो सरकार के साथ जो वार्ता हमारी हुई है उसके बारे में कहां हम खड़े हैं वो बताएं। ये काम कर रहा है नमस्कार भाइयों, अभी तक जितनी वार्ता सरकार के साथ हुई है किसान संगठनों की उसमें जो जो दुष्प्रचार सरकार कर रही है ये कानूनों के बारे में हमने एक एक उस प्रचार को गलत साबित किया है। उनका कहना है कि बहुत बड़ी किसान की सेवा की है, हमारा कहना था किसने मांग की थी, और उनका कहना है कि हमने एक देश एक मंडी बना दी। हमने कहा आपने एक दो देश दो मंडियां बना दी। और उनका कहना है कि हमने बिचौलिया हटा दिए। हमने कहा बिचौलिए की डेफिनेशन बताइए, बिचौलिए रखने का तो आपका स्वभाव है, हमारी मार्केट में तो बिचौलिए है नहीं। जिसको आप बिचौलिया कहते हैं वो तो सर्विस प्रोवाइडर है, इतना तो भाव लगता है उतना ही क्लेम करके हमें वापस पे करता है, जो सर्विस देता है उसका वो कमीशन लेता है। एक एक बात का हमने उनका जवाब दिया और उनके पास कोई जवाब नहीं। और इससे भी आगे हमने उनसे कहा कि कृषि स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें आप दखल नहीं दे सकते, स्टेट लिस्ट में ये 14 नंबर पर दर्ज है। उन्होंने कहा हमने ये ट्रेड के लिए कानून बनवाया। हमने कहा कि हम ट्रेड करते ही नहीं, हम तो अपनी फसल मार्केट करते हैं, मार्केटिंग इज अगेन ए स्टेट सब्जेक्ट। तो उन्होंने कहा जी हमने कंकरेंट लिस्ट से 33 नंबर आइटम उठा के ये कानून बनाए हैं। तो हमने कहा जी हम तो फूड ग्रेन पैदा करते हैं, फूड स्टफ पैदा ही नहीं करते। व्हीट इज फूड ग्रेन, आटा इज फूड स्टफ, पैडी इज फूड ग्रेन, राइस इज फूड स्टफ। आप फूड स्टफ पे कानून बना सकते हैं लेकिन फूड ग्रेन पे तो बना नहीं सकते। आपने ये स्टेट सब्जेक्ट में दखल क्यों दिया? तो अब सरकार पे के पास जवाब कोई है नहीं, इधर उधर का दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो हमारी मांग है कि जितनी देर तक ये कानून आप रिपील नहीं करते उतनी देर तक हम बैठे हैं। और बड़ा साफ स्पष्ट कह दिया है कि वी वर पीसफुल, वी आर पीसफुल, वी विल बी पीसफुल, ये हम गारंटी देते हैं। पिछले 3-4 महीने से पहले रेलवे लाइंस पे बैठे थे, अब यहाँ आके बॉर्डर्स पे बैठे हैं, हम पीसफुल रहे हैं, एक पत्ता तक नहीं तोड़ा, किसी को कोई कष्ट नहीं दिया, बल्कि हम अपने दिल्ली के भाइयों को बार बार बुलाते हैं। कल नया साल था, हमने कॉल दी कि आइए हम सब इकट्ठे मिल के नया साल मनाएं। तो सरकार हठधर्मी में फंसी हुई है, ईगो प्रॉब्लम हो गई है सरकार को कि अगर उनको ये कानून वापस लेने पड़ते हैं तो बहुत शायद उनकी फजीहत होगी, इसलिए
फंसी हुई है सरकार, और हमने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि जब तक आप ये कानून वापस नहीं लोगे उस वक्त तक हम पीसफुली बैठे रहेंगे। और पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, यूपी से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से किसान दिल्ली के इर्द गिर्द के किसी न किसी नाके पे बैठे हैं। बाकी देश के हर कैपिटल में या कहीं डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जगह जगह पे किसान सारे देश में इसका विरोध कर रहे हैं। जब भी यहाँ से कोई कॉल जाती है सारा देश उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, और सारा देश परेशान है सरकार के ये इन कानूनों से। इन रियल सेंस वो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, जो हम नहीं होने देंगे। इसलिए हमारा ये आंदोलन जारी है और जारी रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं होते। अब डॉक्टर दर्शन पाल जी। डॉक्टर दर्शन पाल, आप क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और 7 सदस्यीय कमेटी के मेंबर भी हैं, और आपने इस पूरे आंदोलन के दौरान हर जगह आपको देखा हो। मैं इस आंदोलन में आज तक जो हुआ उस पर नहीं जाता हूँ, सब पता है आपको। इस आंदोलन में दिल्ली के इर्द गिर्द 5 नहीं 6 नाके लगे हुए हैं और देश भर में 100 के करीब पक्के धरने चल रहे हैं, ये जानकारी के लिए। अभी हमारा बातचीत का एक दौर हुआ, 4 तारीख को फिर बातचीत है, 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है। सो संयुक्त किसान मोर्चा ने ये डिसाइड किया है कि 6 तारीख को अगर हमारी वार्ता फेल हो जाती है और 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ हमारे पक्ष में नहीं होता है, 6 तारीख को हम सिंगू बॉर्डर से ट्रैक्टर जो है उसको केएमपी पर चढ़ाएंगे और केएमपी पर ट्रैक्टर मार्च होगा। जो ये 26 जनवरी की एक तरह की परेड की वो होगा, उसकी एक तरह का रिहर्सल परेड होगी वो 6 तारीख को। इसके बाद 6 तारीख को बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जयपुर वाला जो नाका है, वो जयपुर के इंचार्ज भी बैठे हैं यहाँ, 2 या 3 दिन के भीतर ही हम उस नाके को जो शाहजहांपुर है वो लोकल कमेटी डिसाइड करेगी, संयुक्त किसान मोर्चा उस पर स्टैंप लगाएगा और उस मोर्चे को भी हम आगे लाएंगे। उसकी डेट हम अपनी मीटिंग में डिसाइड करके उसका अनाउंसमेंट करेंगे। और 6 से लेकर 20 तक एक पूरा पखवाड़ा देश में हम कॉल दे रहे हैं कि उस कॉल के अनुसार पूरे देश में किसानों के इस आंदोलन के पक्ष में बीजेपी सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े प्रोटेस्ट प्रोग्राम और पक्के धरने, जो भी तरह के लोग वहां के अलग अलग प्रांतों के करेंगे, उसको एक हमने यहाँ से सेंट्रल कॉल दिया है कि पूरे 15 दिन जो है वो भंडाफोड़ अभियान, जन जागरण अभियान किसानों के पक्ष में, पूरे देश में वो किसान जो किसानों के पक्ष में एक 15 दिन का पूरा एक मूवमेंट चलेगा। इसके साथ ही 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, 23 जनवरी को, तो हमने फैसला किया है कि 23 जनवरी को पूरे देश में हमने कॉल दिया है लोगों को कि बड़े बड़े प्रोग्राम करके गवर्नर हाउसेज जो हैं, गवर्नर हाउसेज की तरफ मार्च करो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिंबल हैं, आइकन हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो प्रांतों में गवर्नर्स हैं। और इसके साथ ही हमने तय किया है कि 26 जनवरी इस बार का जो गणतंत्र दिवस है, पूरे देश में किसान अपनी अगुवाई के तले उस गणतंत्र दिवस को अपने ट्रैक्टर और व्हीकल परेड करके उसको मनाएंगे। 26 जनवरी को हमारा काल है कि दिल्ली के इर्द गिर्द जितने भी नज़दीक के सिटीज हैं वो आए, 25 तक यहाँ पहुँचे और 26 को दिल्ली में हमारे ट्रैक्टर फ्लैग्स लगा के दिल्ली में परेड करेंगे।
जो केएमपी की परेड है, रिहर्सल परेड है, ऐसी और भी परेड्स अलग अलग जगह होगी, लेकिन फाइनल परेड 26 को दिल्ली में होगी। और पूरे देश में काल है, पूरे देश में जिस प्रांत में कम ट्रैक्टर हैं वहां ट्रैक्टर के साथ व्हीकल मार्च, और जहां ट्रैक्टर ज्यादा है ट्रैक्टर व्हीकल मार्च। और वो मार्च को हमने दिया है नाम के सिटी स्टेट का कैपिटल में और डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर में, सारे देश में ट्रैक्टर किसान परेड के नाम से पूरा देश ये 26 जनवरी को किसानों के पक्ष में, 26 जनवरी को संविधान दिवस के ऊपर पूरे देश में हमारे जो लोग हैं एक जन जागरण का क्लाइमेक्स में वो जो है एक करेंगे, परेड करेंगे। इसके साथ ही 18 तारीख को ही जनवरी को हमने कॉल दिया है कि महिला किसान दिवस में, क्योंकि बहुत सारे हमारे बॉर्डर्स के ऊपर महिलाएं आ रही हैं, उनका ये डिमांड भी है कि इसको सेंट्रल डाल दो, ताकि पूरे देश में उस दिन महिलाओं जो किसानों के पक्ष में और किसान हैं, पूरा महिला किसान दिवस के रूप में 18 तारीख को एक कॉल दिया है। सो 26 तारीख तक का ये कॉल है, ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये प्रोग्राम हमने दिए, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद। आप गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, आप एमएसपी के बारे में क्या पोजीशन है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहता है उसके बारे में स्थिति रखें। हाँ, सभी मीडिया वाले भाइयों को नमस्कार और नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसका एक मकसद ये भी है कि सरकार जो भ्रम फैला रही है उस भ्रम को दूर करना, ताकि किसान का पक्ष पूरे देश में आपके माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से जाए। सरकार बार बार बयान दे रही है कि किसानों ने अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है, हम तो इनको बहुत कुछ देने के लिए तैयार हैं, एमएसपी तो हम देंगे ही, ये तो हम लिख के देने के लिए भी तैयार हैं, और लोगों को ऐसा लगता है कि शायद अब तो किसान ही गलती पर है। लेकिन आपको बता दें कि हमने 8 तारीख की मीटिंग में अमित शाह जी के आगे सवाल किया था कि क्या आप एमएसपी पर, जो आप एमएसपी 23 फसलों का तय करते हैं, क्या आप उन 23 फसलों को खरीदने के लिए तैयार हो, सारे देश से जितनी पैदा होती हैं? उनका जवाब था नहीं। और अब जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें फिर हमने ये सवाल उठाया था कि क्या आप 23 की 23 फसलें एमएसपी पे खरीदने के लिए तैयार हो, तो उनका जवाब था कि नहीं, इस पे तो बहुत सोचना पड़ेगा। तो फिर आप देश को क्यों गुमराह कर रहे हो जब आप खरीद नहीं सकते, जब आपका खरीदने का कोई इरादा नहीं है, तो फिर आप देश को क्यों गुमराह कर रहे हो कि हम तो एमएसपी तो हमने तोड़ा ही नहीं, एमएसपी तो हम देंगे। तो साथियों, इस पे हम ये समझाना देना चाहते हैं कि एमएसपी देना और चीज है और एमएसपी पर खरीदना और चीज है। एमएसपी देने का मतलब है एमएसपी तय करना, और खरीदने का मतलब है कि उस पर वो सारी फसलें खरीदे भी। जो आज का आंकड़ा सामने आ रहा है वो आप देखिए, पूरे देश में उन्होंने 1 क्विंटल मक्का नहीं खरीदा, और पूरे देश का जो मक्के का रेट रहा वो 800 से और 1100 रुपए के बीच बिका, और एमएसपी मक्के का 1850 रुपए। बल्कि यहां तक हुआ कि हरियाणा में कह के मक्का बिकवाया गया कि आप बीजिए, हम 7000 रुपया अलग से भी देंगे, कुछ नहीं किया गया। और ऐसे ही पूरे देश के जो आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि पिछले 15 साल में 45 लाख रुपया एमएसपी से कम हमें मिला। यानी अगर आज का हिसाब लगाएं, आज के टाइम में 3 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ के बीच पर साल एमएसपी से कम मिलता है किसानों को, और ये हमारा अधिकार है। ये नहीं है कि ये हम कुछ अलग से मांग रहे हैं, ये हमारी कोई एक्स्ट्रा मांग है, एक्स्ट्रा मांग नहीं है ये, तो सरकार एमएसपी 1967 से लेके तय कर रही है, लेकिन तय कर रही है केवल, खरीद उस पर नहीं रही है।
तो ये एक बड़ा घाटा जो किसान देश के किसान को जा रहा है, जिसके लिए मांग कर रहे हैं कि इतना घाटा देश के किसान को हर साल एमएसपी की वजह से हो रहा है, ये हमारा अधिकार है जो सरकार के नियम ना होने की वजह से हम लूट रहे हैं। उस पर एक नियम बनाए, एक कानून बनाए कि चाहे प्राइवेट खरीदे, सरकार खरीदे, कोई खरीदे, लेकिन हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारी जेब में जरूर जाना चाहिए। और उससे सरकार टाल मटोल कर रही है, उसके ऊपर कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। केवल उन्होंने कहा कि हम कमेटी बना देंगे, कमेटी के नाम से वो टालना चाह रहे हैं, जो हमने अभी तक नामंजूर उसको कर दिया है कि कमेटी हमें मंजूर नहीं है और इस पर तो कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बहस की जरूरत नहीं है। ये तो हमारा अधिकार है जो कानून आपने पहले से जो एक तरह से आपका नियम है उसको एक कानूनी रूप देना है, बस इतना सही है। एमएसपी तो आप पहले से तय करते हैं, तो उसके लिए भी वो राजी नहीं हुए हैं। और वो कहते हैं हमें खजाना देखना पड़ेगा, देश का खजाना, देश का खजाने पे बहुत बोझ पड़ेगा। तो लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब किसान का नाम आता है तब देश का खजाना याद आ जाता है। हालांकि हमारी 60% आबादी है देश की जिसपे उनको प्रॉब्लम आती है खजाने पे। जब कहीं पिछले साल 5 लाख करोड़ निकाल के उन्होंने बांट दिया देश के कारपोरेट को, पिछले साल और अभी तक 15 लाख करोड़ का देश का एनपीए हो चुका है जो पूंजीपतियों का है, उसको वसूलने कोई इंतजाम नहीं किए। तो मतलब जब किसान का नाम आता है तब उनको दिक्कत आती है। तो एमएसपी पे हमारा स्पष्टीकरण ये है, कुल मिला के स्पष्टीकरण ये है कि हमारा जो उत्पाद है आज के टाइम में 3 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ के बीच हमें नुकसान हो रहा है, जो हमारा अधिकार है, लेकिन सरकार उसको लूट रही है और नहीं दे रही। इस आंदोलन में भी अभी तक उस पर उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, अभी तक वो बात नहीं मानी। धन्यवाद। आप श्री जगजीत सिंह दल्लेवाल जी पंजाब से, भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के अध्यक्ष। सत्कारयोग पत्रकार दोस्तों, जैसे राज्यपाल जी ने, दर्शनपाल जी और भाई गुरनाम जी ने आपको बहुत देर से कुछ बातें बता दी हैं, मैं उनसे अलग थोड़ी एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये जो आंदोलन है ये बड़ा स्पष्ट है कि ये जो कानून सरकार लेकर आई है, इन कानूनों को वापस करवाने के लिए लड़ा जा रहा आंदोलन है और एमएसपी का गारंटी का कानून बनाने के लिए ये आंदोलन है। और जो इसके पैरेलल बात चल रही है, मैं उस बात पे आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ कि ये आपने सभी ने देखा है, पूरे देश ने, पूरे वर्ल्ड ने देख लिया कि ये आंदोलन पूरी तरह पीसफुली चल रहा है, कहीं पे भी कोई ऐसी वैसी घटना आज तक नजर नहीं आई कि जिससे ये कह सके कोई कि ये आंदोलन हिंसक हो गया है, ये वायलेंट कर रहे हैं, वो ऐसी बात इनको नजर नहीं आई। लेकिन एक बात आपने बहुत जोर शोर से प्रचारित होती है और सरकार के बड़े बड़े नेता ये कहते सुने होंगे कि ये खालिस्तानियों का आंदोलन है, ये माओवादियों का आंदोलन है। एक बार ये भी कहा कि केवल पंजाब के लोगों का आंदोलन है, फिर ये कहना शुरू किया कि ये केवल पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, फिर ये कहना शुरू किया कि ये केवल उत्तर भारत का आंदोलन है। तरह तरह के इन लोगों ने इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए यत्न किया और मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी पत्रकार भाइयों का, आपके मीडिया वालों का, आपने उस बात को अच्छी तरह, हमारी बात को लोगों के सामने लेकर गए और आपके माध्यम से ये बात उनकी जो वो झूठ बोलकर ये कह रहे थे कि ये खालिस्तानी है, उस दिन आपने ये क्लियर कर दिया कि नहीं, कहीं ना कहीं इसी आंदोलन के दौरान टिकरी बॉर्डर पे पूजा की गई है देवी देवताओं की, जो हिंदू धर्म से बिल्कुल मिले हुए हैं, उन वो हुआ वहां पे,
तो वो उनकी वो बात आप लोगों ने स्पष्ट कर दी कि ये नहीं, ये खालिस्तानी नहीं है, यहाँ पे पूजा पाठ करने वाले दूसरे लोग भी बैठे हैं, कहीं पे वो भी आप ही के माध्यम से दिखाया गया कि इस आंदोलन के पक्ष में नमाज पढ़ी गई, वो भी आपने दिखाया, वो उनका उस बात को आपका मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो आपने वो क्लियर कर दिया कि ये सब आंदोलन के कार्य, जो ये यहाँ पे हिंदू भी हैं, यहाँ पे मुसलमान भी हैं, यहाँ पे सिख भी हैं, यहाँ पे ईसाई भी हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, जो इन्होंने पूरे जोर से ये कहा, मैं आपके माध्यम से सरकार के पास ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। ये कह रहे थे कि ये अभी उत्तर भारत तक ये बात लेकर आ चुके हैं कि ये केवल उत्तर भारत का आंदोलन है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बिहार में अगर लाठीचार्ज किया सरकार ने, वो किस पर किया है? वो किसान नहीं थे क्या? किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज किया सरकार ने, सभी आपके सामने है, आपके माध्यम से हमें भी पता चला। तो अब ये उत्तर भारत की बात नहीं रही है, हैदराबाद में बहुत बड़ी रैली हो चुकी है, तमिलनाडु में बहुत बड़ी गैदरिंग हो चुकी है, वहां से ये आंदोलन चल रहा है, कर्नाटका में हमारे इस आंदोलन के समर्थन में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन अब केवल भारत का नहीं रहा, अब तो ये आंदोलन भारत से बाहर जाकर पूरे हिंदुस्तान की इस आंदोलन के सपोर्ट में वर्ल्ड खड़ा नजर आ रहा है। बाहर के लोग यहां तक के हमारी मानयोग यूएनओ ने भी हमारी सरकार को फिटकार लगवा दी है कि आप क्या कर रहे हो, ये कैसा काम हो रहा है भारत में। तो मुझे लग रहा है कि ये इनकी जो बातें हैं, मैं सिर्फ यही बताना चाहता था कि ज्यादा समय नहीं लेना, कि ये आंदोलन अब देश का नहीं रहा, पूरे वर्ल्ड में बैठे जो भारत के लोग हैं सभी का बन चुका है, और सरकार को इस बात को जितनी जल्दी हो सके हमारी इन मांगों को मान लेना चाहिए, नहीं तो सरकार को ये जरूर होगा कि ये जन आंदोलन बनता जा रहा है, और इस आंदोलन की और भी कई तरह के रूप होते हैं, सरकार को कहीं राजनीतिक पॉलिटिकल नुकसान उठाना भी पड़ सकता है अगर ये, लेकिन हमारा निशाना केवल किसानों की मांगे लेना है। यहाँ पर हम फिर से क्लियर कर दें, हमारा आंदोलन का निशाना केवल किसानों की मांगे लेना है, और सरकार जितना इसको लंबा खींचने का प्रयास कर रही है इस आंदोलन में, तरह तरह के शरारती तत्व भेजे जा रहे हैं, उनकी कोशिश ये है कि अगर लंबा खींचेंगे तो ये आंदोलन ऐसे ही कैसे बिखर जाएगा, लेकिन दूसरा रूप ये भी है कि अगर लंबा खींचेगी सरकार तो इस सरकार को इसका पॉलिटिकल नुकसान भी हो सकता है। सरकार को इस बात को ध्यान रखना चाहिए, और सरकार को किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए जल्दी, क्योंकि सरकार के खिलाफ अब पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड खड़ा हो रहा है। धन्यवाद। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक धवले। मेरे सभी पत्रकार साथियों, ये जो आंदोलन का आज 38वां दिन है, और इस आंदोलन के तहत 50 से ज्यादा हमारे किसान साथी ये शहीद हुए हैं दिल्ली के इर्द गिर्द में। आज सुबह न्यूज आई, गाजीपुर बॉर्डर से कश्मीर सिंह नाम के उत्तराखंड के किसान, रामपुर के, इन्होंने आत्महत्या आज सुबह की, और सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि मेरे इस आत्महत्या के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। ये इतने दिन से 50 हमारे साथी शहीद होने के बावजूद सरकार जो हमारी मुख्य मांगे हैं वो मान्य करने को तैयार नहीं है, इसकी हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बहुत ही कड़ी निंदा हम करना चाहते हैं। आज हमारे जो तीनों मांगे हैं उनमें से ये तीनों कानून जो किसी भी किसान संगठन ने कभी मांगे नहीं थे थोप दिए गए। दूसरा, जो एमएसपी का गारंटी देने वाला और खरीद की गारंटी देने वाला
लागत खर्चे के डेढ़ गुना दाम, ये कानून बनना चाहिए। बिजली बिल ये वापस लेना चाहिए। और यह क्लीन एयर ऑर्डिनेंस के बारे में, खैर उसके बारे में कुछ बात हुई है, ये तीनों मुद्दे जब तक सरकार मान्य नहीं करती तब तक यह आंदोलन बिल्कुल पीछे नहीं लिया जाएगा। ये संयुक्त किसान मोर्चा का पूरी तरीके से ये मत है। इस आंदोलन की सही शक्ति आज यह है कि पूरे देश के किसान इसके अंदर जुटे हैं, सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी भाषा बोलने वाले। और हमारे पंजाब के बहादुर किसान, हरियाणा के बहादुर किसान और उसके साथ में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सभी उसके अंदर। लेकिन सिर्फ उतना नहीं, महाराष्ट्र से हजारों साथी, जिस राज्य से मैं आता हूं, हजारों हमारे किसान नासिक से निकले और 25 दिसंबर को हम शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंचे। पूरे देश में, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र, तेलंगाना, ओडिशा, सब जगह में ये आंदोलन जारी है। और ये है इस आंदोलन की ताकत, जिसकी वजह से सरकार उसको कुचल डालना नामुमकिन बात है। दूसरी बात